हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111। कैसे हो आप लोग? सो आज के जो वीडियो है वो एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है, बट आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज कुछ डेज से मैं ये महसूस कर रही थी कि मुझे आप लोगों के लिए एक गाइडेंस रीडिंग करनी चाहिए जहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्लियरेंस मिले आपके लॉर्ड की तरफ से, हमारे श्री कृष्ण की तरफ से। ओके क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो संसार है ये हमारे श्री कृष्ण की वजह से है, और मुझे सिंक्रोनिसिटीज भी मिले, कंफर्मेशन भी मिला, इसलिए मुझे लगा कि मुझे जल्द से जल्द ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपके प्रेम के लिए एंड आपके इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज यहाँ पे 3 कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। कार्ड नंबर 1 है काम मेडिटेशन, कार्ड नंबर 2 है द सुपर सोल, और कार्ड नंबर 3 है द पर्ल्स ऑफ थ्रेड। ओके सो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कीजिए। पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक करके देख सकते हैं। ओके सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको ज़रूर से ज़रूर ये एहसास होगा कि श्री कृष्ण आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप मेल फीमेल दोनों इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, और जब भी मन चाहो आप इसे देख सकते हो, और चाहो तो आप बहुत बार भी इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपको क्लैरिटी मिले। ओके तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर काम मेडिटेशन को और हमारे श्री कृष्ण विष्णु की इस पिक्चर को चूज़ किया है, देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जो गाइडेंस कार्ड्स हैं वो मैं सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए देखूंगी, उससे पहले हम देख लेंगे कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर हमारे पास जो दूसरा कार्ड है वो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, फिर हमारे पास जस्टिस, फिर हमारे पास फोर ऑफ कप्स, फिर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद हमारे पास है बियॉन्ड इल्यूशन, इसके बाद हमारे पास है कॉन्शियसनेस, उसके बाद हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हमारे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है कार्ड्स, आई होप आपको दिख रहे हैं अच्छे से। सो ये जो ऊपर के कार्ड्स हैं ये हमें बताएंगे कि आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं लॉर्ड कृष्ण की तरफ से। उसके बाद ये नीचे के कार्ड्स हमें पता चलेगा कि श्री कृष्ण क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको रिलेटेड टू योर लव लाइफ, आपके प्रेमी जीवन से संबंधित मैसेजेस आपको क्या मिल रहे हैं भगवान की तरफ से। सो यहाँ पे मैं अभी साइंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ओके क्योंकि ये जो रीडिंग्स है ये सबके लिए हैं एंड बिल्कुल भी साइंस में मत जाएगा इसलिए मैं साइंस के ऊपर नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये गाइडेंस रीडिंग है। ओके सो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने कम्फर्ट जोन से निकलने की बहुत आवश्यकता है। श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें,
आप अपने कंफर्ट जोन से निकले। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हैं, अगर आपकी कहीं और जॉब लग रही है, या अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो करियर ग्रोथ है वो कहीं और ट्रैवल करने से होगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ जो आप करना चाहते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर हैं, तो आपको वही चीज़ करना है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, आपको सीखना है कि आपको अपने ज़िंदगी में स्टैंड कैसे लेना है। ठीक है, आपको स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ फ्रूटफुल नहीं लगती है, कोई चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं लगती है, तो आपको उस चीज़ से निकलना है। आपको श्री कृष्ण यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, जो आपको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है उससे अगर आप निकल के आगे जाओगे, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उससे निकल के आप आगे जाओगे, अपना स्टैंड रखोगे और डिफेंसिव होगे, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ आपको रोकती है, जो चीज़ में आपको बुरा लगता है, उस चीज़ को आप रोकोगे, अपना स्टैंड लोगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई शुरुआत होंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपने इस जो स्टक है, जो आप अपने आप को रोक देते हो कि नहीं ये आपसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उन सब चीज़ों से आपको निकलना है। आपको अपनी जो एनर्जी है वो बहुत चाइल्डिश रखना है, एनर्जेटिक रखना है, ठीक है, और फ्रेंडली रहना है। चाइल्डिश इन द सेंस कि प्योर हर्ट रहना है आपको, एंड आपको कोई भी चीज़ अगर करना है तो उसके लिए आपको ट्राई करना होगा। ओके, अपने सारे बाधाओं से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने रिस्ट्रिक्शन से, अपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकलना होगा। ओके, जिसके बाद आपकी न्यू बिगिनिंग्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद चल के आएंगे, एंड आप फील कर पाओगे कि हाँ आप सही में लाइफ में कुछ कर रहे हो। ओके, एंड मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बट आपको शायद इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप अपना बोल्डनेस भी शो नहीं कर पा रहे हो, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको भी आप इन्हेंस नहीं कर पा रहे हो। तो ज़रूरी है कि आपके लिए ये चीज़ को करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है, कोई भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है, चाहे लोग आपके खिलाफ़ हो, फैमिली आपके खिलाफ हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल होगा, तो आप उसके लिए स्टैंड लीजिए एंड उस पर वर्क करें। ये मैसेज हमें मिल रहा है श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए। अब देख लेते हैं कि लव लाइफ में आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने लव लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान हो, एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हूँ कि आप बाकी चीज़ों को देखते नहीं हो कि कहाँ से आपको प्रेम मिल सकता है। ठीक है, प्रेम इन द सेंस, मैं बस यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, प्रेम इन द सेंस की किसी भी तरह का प्यार, चाहे वो फैमिली की तरफ से मिले, फ्रेंड्स की तरफ से मिले। मुझे लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में, कनेक्शन में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो कि आप बाकी चीज़ों को इतने इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, या फिर डिवाइन जो कनेक्शन, डिवाइन जो प्योर लव आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो आप कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हो और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो अपने लाइफ में। लेकिन श्री कृष्ण जी आपको कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आप जो चीज़ डिज़र्व कर रहे हो, आप जो चीज़ चाह रहे हो, उस चीज़ का आपको जस्टिस मिलेगा, वो उस चीज़ का आपको फल मिलेगा। लेकिन आपको इनस्टेबल नहीं रहना है, आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है, आपको एक जगह से निकल के दूसरी जगह आना है। मुझे बार बार जो मैसेज आ रहा है वो है अपने कंफर्ट जोन से निकलना, मुझे बार बार यही चीज़ आ रही है। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई कनेक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ज़रूरी है कि आप उस चीज़ से निकलें एंड एक्सपेरिमेंट्स करें अपने लाइफ में। बिकॉज ज़रूरी नहीं कि जिस पर्सन के लिए आप लव फील करते हो वही पर्सन आपके डेस्टिनी में हो एंड वही पर्सन के साथ ही आपका सब कुछ हो। ओके, सो प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको सबको वैल्यू करना है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको सबको चांस देना है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सबको इक्वली नज़रों से देख रहे हो, इक्वली प्यार कर रहे हो, एंड जो भी लोग आपको प्यार करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ में इतने ज़्यादा स्टक हो, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो कि बाकी लोग जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, उनको भी इग्नोर करते हो। तो आपको ज़रूरी है कि आप पैशनेट रहें अपने लव लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, एंड एक्शंस लेते रहें। ठीक है, बैठे ना रहें, चिंतित ना रहें, या फिर फंसा हुआ महसूस ना करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई भी चीज़ की, चाहे वो किसी करियर रिलेटेड हो या लव लाइफ के हो, सारी चीज़ों की चाबी आपके हाथ में है। देखिए, यहाँ पे आपके हाथ में है, अगर आप चाहें तो आप कोई भी चीज़ को पा सकते हो, आपके हाथ में वो कीज़ होती है सारी चीज़ों को अनलॉक करने के। लेकिन ज़रूरी है कि आपको डिसीजंस बनाना। आप किस किस ऑप्शंस में, किसी किसी चीज़ों में इतने कन्फ्यूज हो जाते हो कि आपको ऐसा फील होता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है या फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगी। तो ज़रूरी है कि आपको अपने पावर में रह के आपको डिसीजंस लेना है। बिकॉज अगर आप एक बार डिसीजन
एक्शन लेते हो और उस पर आप वर्क करते हो, तो जो चीज़ों की चाबी है वो आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को पाना चाहते हो तो आप उसे हासिल कर पाओगे। अगर आपको लव लाइफ में कोई चाहिए तो आप उसे हासिल कर पाओगे। अगर आपको कुछ सक्सेस चाहिए, आप उसे हासिल कर पाओगे। अगर आपको मैरिज करना है तो उसे हासिल कर पाओगे। जो भी आप चाहते हो उसे हासिल कर पाओगे। लेकिन ज़रूरी है कि अपने पावर में रह के डिसीजन लेना और उस डिसीजन पर अटल रह के काम करना, आगे बढ़ना। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और जो दो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि श्री कृष्ण आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप अपने अंदर आत्मा पे ध्यान देते हो, अगर आप अपने इनर सोल पे वर्क करते हो, अपने कॉन्शियसनेस पे ध्यान देते हो, उस पे अगर वर्क करते हो, तो आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, जो चीज़ चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ में हो या करियर रिलेटेड हो या कुछ भी चीज़ में हो, वो आपको हासिल होगी। और आपको जो चीज़ हासिल होगी वो चीज़ आपके बियॉन्ड इल्यूजन होगा। ओके, बिकॉज शायद आपको इस वक्त लगता है कि कुछ आपके लिए फ्रूटफुल होता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, लेकिन जो आपको हासिल होगा वो बियॉन्ड इल्यूशन, आपके सोच से भी परे होगा। क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो डिसाइड करके रखा है वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। लेकिन उस चीज़ को जल्द से जल्द पाने के लिए आपको अपने अंतरात्मा को ध्यान रखना पड़ेगा, अपना मेडिटेट करना पड़ेगा, आपके कॉन्शियसनेस को एक्टिव रखना पड़ेगा। ओके, थर्ड आई जो है उसको आपको एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि आपको सही डिसीजंस टाइम्स पे मिलते रहें, आप सही डिसीजंस लेके उन पे वर्क कर पाओ एंड सही चीज़ें आपके तरफ आ पाएँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो आपके साथ होंगी। ओके, और आपको लव में ज़रूर जस्टिस मिलेगा। अगर आपको अब तक लगता है कि कुछ जस्टिस नहीं मिला या पर्सन वापस नहीं आ रहे कुछ हो, तो आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा, और जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है वहीं से आपको चीज़ें मिलना शुरू होंगी। मतलब जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को भूल जाओगे तब से आपको सारी चीज़ें प्राप्त होने लग जाएंगी। ओके, तो ये मैसेजेस मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या मिल रहे हैं आपको श्री कृष्ण की तरफ से। तो हमारे पास यहाँ पे 3 गाइडेंस कार्ड्स हैं। एक है द सैक्रेड ओम, फिर हमारे पास द मटेरियल एलिमेंट्स, फिर हमारे पास द काम मेडिटेशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। ओके, सबसे पहले मैं रीड आउट करती हूँ आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे है, एज अ लैम्प इन अ विंडलेस प्लेस डज नॉट वेवर, सो द योगी हुज माइंड इज फोकस्ड रिमेन्स ऑलवेज स्टडी एंड मेडिटेशन ऑन द ट्रांजेंडेंट सेल्फ। तो देखिए यहाँ पे कॉन्शियसनेस का भी कार है, तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि जैसे आप कोई एक लैम्प या दिया रखते हो जहाँ पे हवा नहीं है तो वह बुझता नहीं है, बुझने के तरफ आगे नहीं बढ़ता है, वैसे ही अगर आप मेडिटेट करते हो एंड अपने माइंड को एक जगह में फोकस रखते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप वर्क करने के लिए उसे फोकस रखते हो, तो आपका जो माइंड है वो स्टेडी रहेगा, शांत रहेगा। ओके, एंड आप सारी चीज़ों को, अपने सेल्फ को पहचान पाओगे, आपके लिए क्या बेटर है क्या खराब है सारी चीज़ को आप खुद से एनालाइज़ कर पाओगे, उसके लिए आप किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको मेडिटेशन करना, अगर आप लोग नहीं करते हो तो ज़रूर कीजिए। ओके, मेडिटेशन योगा ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके अंदर अग्रेशन है, कन्फ्यूजन्स है, अगर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो तो आपके अंदर एक कामनेस आएगा, स्टेडीनेस आएगा। ओके, एंड आप अपने सेल्फ को पहचान पाओगे। ओके, ये डायरेक्ट जो है ये आपके अंदर से फीलिंग्स आएंगी अपने आप को। ओके, दूसरा मैसेज हमारे पास है मटेरियल एलिमेंट्स, देखते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पे है, माय मटेरियल नेचर इज मेड अप ऑफ 8 सेपरेट एनर्जीज, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ओके, तो यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि ये जो पृथ्वी है ये पानी, धरती, आग, हवा, दिमाग, बुद्धि और फॉल्स ईगो से बना है। ओके, जो ये मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ की, तो अगर आप ये मटेरियल एलिमेंट्स को भूल जाओ, आपके अंदर जो ईगो है उसे आप भूल जाएं, आपके अंदर जो फॉल्स ईगो, फॉल्स एटीट्यूड, शो ऑफ करने का तरीका है उसे आप अगर भूल जाते हैं तो आप अपने आप को पहचान पाओगे। ओके, बिकॉज हो सकता है कि आपकी जो ज़िंदगी है, चाहे सबकी ज़िंदगी 3D वर्ल्ड में यही सब चीज़ों से हमारी ज़िंदगी घिरी हुई है, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को छोड़कर बस अपने दिमाग, अपने इंटेलिजेंस और अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे और फॉल्स ईगो को हटाएंगे, तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके,
फिर है हमारे पास द सेक्रेट ओम। तो यहाँ पे क्या मैसेज है, यहाँ पे है आई एम द फ्रेश टेस्ट ऑफ वाटर द लाइट ऑफ द सन एंड मून, आई एम द सेक्रेट सिलेबल ओम इन द वेदिक मंत्रास द साउंड ईथर एंड द एबिलिटी इन मैन। ओके, सो ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि ओम सिंबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप ओम चैंटिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मिल रहा है कि जो पानी का जो टेस्ट है, जो फ्रेश वाइब्स हैं और जो सन की किरणें हैं और जो मून का मतलब कि चांद की जो रोशनी है और जो एक पवित्र सिंबल है, मतलब पवित्रता, जो पवित्रता है वो सिर्फ ओम में छुपा हुआ है। ओके, क्योंकि इसे अगर आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। ओके, आपकी जो सेंसेस हैं वो खुलेंगे, तो आप ओम चैंटिंग ज़रूर कर सकते हो। ओके, एंड हो सके तो आप अपने जो ओम सिंबल है अपने आसपास रख सकते हो। ओके, सो ये चीज़ गाइडेंस आपको मिल रही है। सो पहला गाइडेंस आपको मेडिटेट करना है, दूसरा गाइडेंस आपके लिए ये है कि फॉल्स ईगो एटीट्यूड ये सबको भूल जाना है, तीसरा है कि आपको कान साउंड्स ओम चैंटिंग ये सब करना है ताकि आपकी जो सेल्फ है वो ग्रो हो पाए। ओके, सो ये मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। ऑल्सो आप श्री कृष्ण के, शिव जी के एंड सरस्वती माता की पूजा कर सकते हो। ओके, ऑल्सो गौरी माता का भी पूजा कर सकते हो आपकी बेटरमेंट के लिए। ओके, सो पाइल वन ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल वन। हेलो पाइल नंबर टू, चुने हुए पाइल नंबर टू या फिर सुपर सोल को चूज़ किया है या फिर श्री कृष्ण के विष्णु जी के इस पिक्चर को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं। तो जो गाइडेंस कार्ड्स हैं वो हम आपके लिए लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम मैसेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है स्ट्रेंथ, उसके बाद हमारे पास है टावर, उसके बाद हमारे पास है जजमेंट, उसके पास हमारे पास है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव एग्जॉशन, वी हैव क्रिएटिविटी, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जस्टिस। ओके, सो गाइस मैं आप लोगों को साइंस नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये गाइडेंस मैसेजेस सबके लिए हैं। ओके, आप सबके लिए हैं, सो मैं यहाँ पे साइंस नहीं बताऊँगी। सो जो ऊपर के कार्ड्स हैं वो हमें बताएंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके सेल्फ के लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। नीचे के कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपके लव लाइफ में के लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत टावर मोमेंट्स आते हैं, आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ओके, एंड आपको ऐसा लगता है कि ये प्लेस आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपने क्या गलती कर दिया कि आपके साथ हमेशा बुरा होता है, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता ढंग तरीके से। ओके, आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आपको कहीं से पूरी तरीके से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सराउंडिंग्स हो, लवर हो। ओके, हो सकता है कि बहुत पास्ट इश्यूज आपके रहे हों जहाँ पे आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हो अपने लाइफ के, एंड आप हमेशा से ये चीज़ को सोचते हो, हमेशा आपके माइंड में ये चीज़ रहता है कि वाई विथ मी, आपको हमेशा लगता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है, आप इतने प्योर सोल हो, आप इतना अच्छा काम करते हो लेकिन आपके साथ हमेशा ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। सो लेट मी टेल यू, श्री कृष्ण जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं जी, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी कठिनाइयाँ हो रही हैं, होती रहती हैं, वो डिवाइन के तरफ से होती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी गलतियों की वजह से हुआ है या आपने कोई पाप किया है इसके वजह से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिवाइन के तरफ से ये टावर मोमेंट्स होते हैं, भगवान की तरफ से टावर मोमेंट्स होते हैं ताकि आपको सिखाया जाए कि असली इस दुनिया में स्ट्रेंथ क्या है, कैसे आप इंडिविजुअली रह सको, कैसे आप अपने अंदर एक फुलफिलमेंट, एक कम्प्लीटनेस फील करो। बिकॉज हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके कुछ इश्यूज थे, कुछ कर्मास थे जो आपको इस जन्म में
पूरे करने हैं, एंड गॉड आपके लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव लाते हैं ताकि आपको एक बेटर पर्सन बना सके, ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ सके, ताकि आप अपने अंदर को पहचान पाओ और अपने अंदर एक कम्प्लीटनेस महसूस करो, ताकि आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट ना रहो, अपनी हैप्पीनेस, अपनी चीज़ों के ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो कि ये पर्सन करेगा तभी हमें हासिल होगा. ओके, सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है. डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम्स होती है आपकी, ये गॉड आपको लेसन्स देने के लिए करवाते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से. यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटीज़ या कुछ कर्मास या फिर कुछ पापों के वजह से नहीं है. ओके, क्योंकि एंजल्स आपको सिखाना चाहते हैं, श्री कृष्ण आपको सिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है, कैसे आपको अंदर स्ट्रेंथ बजाए रखना है, चाहे कितने भी तूफान आ जाए ज़िंदगी में, कैसे आपको पेशेंस रखना है हर एक चीज़ में. ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे. आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि ये जो चीज़ें हैं इससे आपने कितना कुछ सीखा, और आगे इस चीज़ को आप काम लेके आ पाओगे, जिसकी वजह से आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा फेम नेम सक्सेस मिलेगा. ओके, सो ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये मैसेजेस हमें मिल रहे हैं. ओके, अब मैं बता देती हूँ कि आपके लव लाइफ को लेकर श्री कृष्ण जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो, ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. मे बी आपके लव लाइफ कभी भी उतना अच्छा नहीं चला है स्टार्टिंग से, चाहे आप कितने भी कनेक्शंस में रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो कि कहाँ कैसा करें. आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, पास्ट इश्यूज़ को लेके. लेकिन आपको लॉर्ड ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप डिवाइन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, उनको सरेंडर करते हो, उन पे पूरा विश्वास रखते हो कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये गॉड के तरफ से ही हो रही है, और जो अच्छा होगा वो भी गॉड के तरफ से ही होगा, डिवाइन के तरफ से ही होगा, तो आपका जो भाग्य चक्र है, जो कर्म चक्र है, वो खुल जाएगा, ठीक है, उसमें उन्नति होगी, उसमें न्यू चीज़ें आएंगे, और आप जैसा प्यार, आप जैसा इंसान चाहते हो, आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो, वैसा आपको मिलेगा. आपने जैसा भी ड्रीम देखा होगा, आपके लिए जैसा भी ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय होंगे, वैसा पार्टनर आपको मिलेगा. लेकिन वो सब आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे, ठीक है. लेकिन उससे पहले आप अगर पूरी तरीके से सोच लेते हो, पूरी तरीके से छोड़ देते हो भगवान के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कि भगवान जो कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके सही के लिए कर रहे हैं, जो भी बुरा हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, सब भगवान की वजह से हो रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में जैसा ही पार्टनर चाहते हो, जैसा प्रेम चाहते हो, वो आपको हासिल होगा. ओके, फिर मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत थक चुके हो, बहुत एग्जॉस्टेड हो, आपको कोई भी काम में खुशी नहीं मिलती, कोई भी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती, आप फैमिली के साथ रह के भी खुश नहीं रहते हो, फ्रेंड्स के साथ रह के भी खुश नहीं रहते हो, आप अपने काम में भी फोकस नहीं कर पाते हो, वहाँ से भी आपको खुशियाँ नहीं मिलती, चाहे आप कितना भी अर्न कर लेते हो, इनकम कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो. सो यहाँ पे लॉर्ड आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप इस थके हुए, इस नेगेटिव सिचुएशन से निकल के अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में ध्यान देते हो, अपने पैशन में ध्यान देते हो, अगर आप सेल्फ लव करते हो, अपने अंदर की खूबसूरती को इन्हेंस करते हो, आपको जो चीज़ें पसंद है उसमें आप ध्यान रखे, उसमें वर्क करते हो, तो जो चीज़ भी आप मैनिफेस्ट करते हो, चाहे वो आपके करियर में हो या आपके लव लाइफ में हो, वो चीज़ आपको हासिल होगी. लेकिन सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से ये सब नेगेटिविटीज, ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब क्वेश्चंस आपको डिटैच करना होगा अपने आप को, और बस अपने अंदर ध्यान देना होगा, ठीक है, कि आपके लिए और क्या बेटर हो सकते हैं. आपको नहीं सोचना है कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में कैसे क्या होगा. अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच के अपने बेटरमेंट के लिए काम करते हो, तो जो चीज़ भी आप चाहते हो अपने आप आपको हासिल होगा. बस ज़रूरी ये है कि आप सरेंडर करें और आप सारी चीज़ों को इस नज़रिए से देखें कि जो भी हो रहा है किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है आफ्टर ऑल. ओके, फिर हमें मैसेज मिल रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस. तो यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि सबसे पहले आपको अपने लाइफ में बैलेंस रखना है, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको बैलेंस रखना है. अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं. अगर आपकी करियर लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को छोड़ दें. आपको सारी चीज़ों को एक बैलेंस वे में लेके चलना है, ठीक है, ठीक है. उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन उसमें भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढना है, बिकॉज आपको जस्टिस मिलेगा. ओके, जस्टिस
आपको हमेशा से ही मिलते आया है, ओके। एंड हमेशा गॉड आपके तरफ रहे हैं, एंजल्स आपके आसपास हमेशा रहते हैं, ठीक है। कुछ भी बुरा होने से वो आपको बचाते हैं, ये चीज़ आप माइंड में रखें हमेशा से, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर एक चीज़ से, हर एक दुविधाओं से बचाने में, ठीक है। आपने ये चीज़ फील भी किया होगा कि बहुत कुछ बुरा हो सकता था आपके साथ, लेकिन वो होते होते बच गए, ओके। सो ये चीज़ है, आपको जस्टिस मिलेगा, आप जो चीज़ चाहते हो, जो चीज़ आप क्वेश्चन करते हो उसके भी आंसर्स आपको मिलेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेज आ रहे हैं कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप चैरिटी करें, डोनेशन करें। सो अगर आपके बस में है डोनेशन करना, चैरिटी करना, ऐसा नहीं है कि आप एनजीओस में जाओ कुछ करो, आप अपने ही सराउंडिंग्स में कर सकते हैं हेल्प हो, कि जैसे एनिमल्स को फीड करना हो, ठीक है, बाकी लोगों को हेल्प करना हो, जैसे भी आप 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 चाहो वैसे आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप डोनेशन, चैरिटी, लोगों की हेल्प करना, सोसाइटी में प्रोग्रेस करने में हेल्प करना, प्लांट्स लगाना, ओके, एनिमल्स को फीड करना, लोगों को जिनकी ज़रूरत है उन्हें हेल्प करना, अगर आप अपने मुताबिक कितना भी हेल्प करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो चीज़, ओके। अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड श्री कृष्णा चाहते हैं कि आप कुछ सोशल वर्क करो अपने लाइफ में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप में कुछ पावर्स हैं, ओके। ये जो पाइल टू इन्होंने चूज़ किया है, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो आप लोगों ने या तो रियलाइज़ नहीं किया है या फिर कर चुके हो, और आगे जाके आपकी ग्रोथ होगी। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग अर्थ एंजल हो सकते हो। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि अर्थ एंजल्स क्या होते हैं तो आप लोग सर्च करना, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। कुछ कुछ लोग आप लोग अर्थ एंजल्स भी हो सकते हो, जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में हमारी सोसाइटी में आए हो। एंड आप लोगों को बहुत कुछ करना है, ये मैसेजेस मुझे बार बार मिल रहे हैं, ओके। सो आप गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहला है द सुपर सोल, देन वी हैव द बर्निंग। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहे हैं। सबसे पहला है द सुपर सोल। सबसे पहले मैं मैसेज रीड आउट करती हूँ। आई रिसाइड इन एवरी हर्ट, फ्रॉम मी अलोन कम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। आई एम टू बी नोन बाई ऑल द वेदास। आई एम द ऑथर ऑफ द वेदांता एंड आई अलोन नो द वेदास। ओके, सो ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो सबके दिलों में मिले जाते हैं। वो अकेलेपन में भी हैं, अगर हिंदी में कैसे बोलते हैं आई डोंट नो, मतलब फॉरगेटफुलनेस, मतलब अगर कोई मेमोरीज़ होती है, कोई किसी को भुला देता है, तो वहाँ पे भी श्री कृष्ण की प्रेजेंस होती है, ठीक है। श्री कृष्ण हर एक वेदों में जाने जाते हैं, ठीक है। वो खुद ऑथर हैं इस वेद के, एंड उन्हें खुद पता है इस वेद के बारे में। सो अगर आपके माइंड में कुछ भी थॉट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, ओके, तो सारे आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, श्री कृष्ण की तरफ से मिलेंगे। तो अगर आपको कभी भी कोई दुविधा महसूस हो, अगर आपको कहीं भी कुछ लगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप श्री कृष्ण से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, वो आपको आंसर ज़रूर देंगे, ओके। सो ऐसा मत समझना कि अगर आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप खुद आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, सेल्फ लव की कमी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि श्री कृष्ण आपके साथ हैं, ठीक है। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। जो भगवान है वो हमारे अंदर है, हमें बस पहचानना है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हमारे आसपास है, हमारे अंदर में ही है, हमें ढूंढने की कभी ज़रूरत नहीं है, ओके। ये मैसेज है। दूसरा मैसेज है द बर्निंग फायर। वंस प्योर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड बाय द इटर्नल एनिमी lust which takes many forms and burns like an insatiable fire, okay. So यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो प्योरनेस है, जो इनर सेल्फ है, वो हमारे मटेरियल चीज़ों में, लस्ट में, जेलसी में, क्रूरता में और मैनी फॉर्म्स में क्या होता है कि उस चीज़ को दबा देते हैं, उस चीज़ को नश्वर कर देते हैं, उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सब चीज़ों को, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं मन में, जो भी ईर्ष्या है, ईगो है, लस्ट है, ठीक है, दुश्मनी है किसी से, या किसी को कर्स करना, ये सब चीज़ें अगर आप आग में झोंक देते हैं, इन द सेंस कि अगर ये सब चीज़ों को आप अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो आपकी जो सोल है वो पूरी तरीके से पवित्र हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, ओके।
सो ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसे आप झोंक दें, उसे आप झोंक दें, उसे आप निकाल दें और अपने आप को एक प्योर सोल की तरह एक्सेप्ट करें। फिर हमें मैसेज मिल रहा है बियॉन्ड रिलीजन, थिंक ऑफ मी ऑलवेज, बी माई डिवोटी, सेक्रीफाइस टू मी एंड बो डाउन टू मी, डू दिस एंड यू विल कम टू मी, आई प्रोमिस यू दिस ट्रूथ, फॉर यू आर डियर टू मी, गिव अप ऑल अदर ड्यूटीज एंड वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड सिंपली सरेंडर टू मी, आई शेल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सीन, सो नो फियर। सो ओके, सो ये मैसेज मिल रहा है कि देखिए नो मैटर आप लोग कौन से रिलीजन के हैं, आपके कास्ट क्या है, आफ्टर ऑल हम सब एक सोल हैं, ओके, एक बॉडी से निकल के, एक कास्ट से निकल के, एक रिलीजन से निकल के सोल है। तो नो मैटर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या कुछ भी हैं, आप अगर अपने लॉर्ड को, क्योंकि भगवान हमारे लिए सब एक है, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं लेकिन भगवान हो चाहे अल्लाह हो चाहे जीसस हो, सब एक हैं, ओके, हमारे लिए। सो अगर आप भगवान पे अपने आप को दे देते हो, ठीक है, मतलब आप अगर उनके डिवोटी बन जाते हो और आपकी जो भी लाइफ में हो रही है उसे एज अ सेक्रीफाइस टू गॉड, मतलब गॉड को सेक्रीफाइस करने के तरीके से अगर आप उस काम को करते हो, ठीक है, जो भी काम है, करियर रिलेटेड है या कुछ भी, जो भी चल रहा है उसे आप अगर सेक्रीफाइस करके, अगर आप ये समझते हो कि जो भी हो रहा है वो गॉड को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, गॉड के वजह से हो रहा है एंड गॉड के वजह से ही हमें इस चीज़ का फल मिलेगा, ठीक है, तो ये गॉड आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, वो आपको सारी पापों से बचाएंगे, सारे डर, सारे तरीकों से संकट से बचाएंगे, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना भगवान के ऊपर, भगवान को मानना है, ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कुछ हो, ठीक है, आपको बिल्कुल पार्शलिटी नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल आप लोग एक सोल है, और अगर आप लोग पूरी तरीके से अपने अंदर आत्मा को विलीन कर देते हो भगवान की तरफ और ये मानते हो कि जो भी चल रहा है ये भगवान की वजह से है एंड जो ख़राब हो रहा है वो एक सेक्रीफाइस की तरह है जो भगवान हमसे ले रहे हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा एंड भगवान आपको सारी कष्टों से बचाएंगे, ओके, एंड आप लोगों को ये भी नहीं करना है कि डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा सोच नहीं रखना है कि लोग अलग हैं, डिफरेंसेस हैं बीच में, बिकॉज आफ्टर ऑल सब सोल है एंड सब इक्वल हैं, ओके। सो पाइल टू, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई एंड आप लोगों को बहुत सारी क्लियरेंस मिली हो। सो अगर आपको पसंद आई, रेजोनेट हुई, तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल टू। हेलो पायल नंबर थ्री, जिन्होंने भी पायल थ्री या फिर पर्ल्स वाला थ्रेड को चूज़ किया या फिर इस प्यारे से श्री कृष्ण की इमेज को चूज़ किया है, देखते हैं श्री कृष्ण जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो ये जो गाइडेंस कार्ड्स हैं ये हम आपके लिए बाद में देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। उसके बाद अब हम सबसे पहले तो मैसेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, We have two of pentacles, the hierophant, फिर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, रिबर्थ, टू ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके गाइस, सो मैं आप लोगों को साइंस नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये गाइडेंस, ये मैसेजेस आप सब के लिए हैं, ओके, सो मैं यहाँ पर साइंस नहीं बताऊँगी। सो जो ऊपर के कार्ड से ये हमें बताएंगे कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। नीचे के कार्ड्स में बताएंगे कि लव लाइफ के लिए आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहला तो मुझे ये लग रहा है कि आप अपने लाइफ में एक बैलेंस चाहते हो या फिर आप दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो। हो सकता है कि आप जिस वक्त अभी जिस फील्ड को परस्यू कर रहे हो उससे हटके भी आपको कुछ करना है, उससे अलग भी कुछ करना है। सो श्री कृष्ण आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना है,
चाहे आप कुछ भी जॉब करें, उसके साथ साथ आपको साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअल पाथ में जाना है। मुझे यहाँ पे आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे द हायरोफेंट है, द हाई प्रिस्टेस है। आप लोगों के अंदर साइकिक एबिलिटीज हो सकती है। आप लोग अभी भी लाइट वर्कर हो सकते हो, या आगे चल के हो सकते हैं कि आप लोग लाइट वर्कर बने। ओके, आपको धार्मिक वे से आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी जो पाथ है, आपका जो सोल पर्पस है, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। ओके, सो आपको अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना है। एंड मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, एंड आपने मे बी डिस्कवर कर लिया है अपने, और अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने स्पिरिचुअलिटी में वर्क करना है। क्योंकि अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में वर्क करते हैं तो उसमें न्यू बिगिनिंग्स होंगी आपके लाइफ की, आपकी जो चक्रास है वो बैलेंस होंगे, आपकी जो सोल है वो फ्लो होगी, आपके पास अनकंडीशनल लव आएगा, आपके पास अपने आप सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी जो भी आप क्रेव कर रहे हो इस वक्त। मुझे लग रहा है डेफिनेटली कुछ पावर्स आपके अंदर हैं और कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है, और स्पिरिचुअलिटी में ही आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। ओके, आप हीलर हो सकते हो आगे चल के। ओके, या फिर आप किसी तरह की एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग्स या कुछ भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है आप आगे चल के बहुत ज़्यादा हीलर बन सकते हो। मुझे यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा तो आपको करियर रिलेटेड मुझे ये चीज़ दिख रहा है। मैसेजेस मुझे यही मिल रहा है कि अगर आप तक अभी तक भी इन्वॉल्व नहीं हो स्पिरिचुअलिटी में, तो ज़रूर स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो जाइए और अपने पावर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कीजिए। बिकॉज आपके लाइफ में लोगों को गाइड करना लिखा हुआ है, आपके डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी है। एंड जब आप लोगों को हेल्प करना शुरू करोगे, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जर्नी में आगे बढ़ोगे, तो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अबंडेंस आपके पास अपने आप अट्रैक्ट होगा। लेकिन आपको इस जगलिंग चीज़ से निकलना है, आपको बैलेंस करना है। अगर आप किसी चीज़ में हैं तो उसके साथ साथ आपको ये चीज़ करना है, एक बैलेंस्ड वे में आपको अपने लाइफ को, अपने सोल को एक बैलेंस्ड फॉर्म में रखना है। ओके, सो अब लव लाइफ की तरफ देखते हैं कि लॉर्ड कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैसेज आया इसलिए मैंने आपको कह दिया है। दूसरा मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो एक्सप्रेसिव बनिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी जो एनर्जी है हाई प्रिस्टिस की तरह है, आप अपनी चीज़ें, अपने थाट्स, अपने थिंकिंग्स अपने अंदर रखते हो। ओके, ये चीज़ सही है, आप अपने अंदर रखते हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को डेवलप करोगे और एक फ्रूटफुल वे में लोगों तक पहुंचाओगे, तो हो सकता है कि आपकी जो बातें हैं, आपके जो थॉट्स हैं, बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। ओके, एंड आपको पैशनेट रहना है अपने लव कनेक्शन में। अगर आप कोई चीज़ फील करते हो अपने कनेक्शन में तो गो फॉर इट और बताओ। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप चूज़ करो, डिसाइड करो आपको लव लाइफ को आगे लेके जाना है या मूव ऑन करना है। जो भी आपके लिए सही है, आप पावरफुल डिसीजन लो एंड आप एक्सप्रेस करो। ठीक है, चाहे आपके लवर से हो, कुछ भी अगर आपके बातें हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या कुछ आपके फीलिंग्स हैं, उसे एक्सप्रेस करना चाहते हो तो हमेशा एक्सप्रेस किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन क्या सोचेगा, उसकी क्या मेंटेलिटी होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, और अगर आप उन्हें दबा के रखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बर्डन बन सकता है आपके खुद के लाइफ में। ओके, क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं उसमें बहुत पैशन है, बहुत स्ट्रांग एक इंटेंस एक एनर्जी है। ओके, सो आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, आपको सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, डिसीजन लेना है, एक्सप्रेस करना है। ओके, एंड मूवमेंट लेना है, आपको मूवमेंट लेना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है, किसी के लिए रुकना नहीं है। ठीक है, आपको मूवमेंट लेना है, आपको डिसाइड करना है, आपको काम करना है, उससे आपकी लव लाइफ और बेहतर बनेगी। और आप जो चाहते हो अपने फ्यूचर में, मैरिज करना या पार्टनर के साथ रहना, एक स्टेबल कनेक्शन बनाना, एक स्टेबल फैमिली बनाना, वो सब आपके लिए फुलफिल होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, और आपको अपना सोलमेट मिलेगा। ओके, आपको अपना सोलमेट मिलेगा ऑलरेडी, या तो आपके लाइफ में ये सोलमेट है या फिर आगे चल के मिलने वाला है। ओके, सो अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में वर्क करते हो तो उसी वक्त आपको ये सोलमेट मिलेगा। ठीक है, आप मतलब जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे या ऑलरेडी हैं, वो आपकी ड्रीम्स कम ट्रू होंगे, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, वो आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेंगे, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी आपको अकेला नहीं करेंगे। ओके, सो श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि आप डिसीजन लें, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप डिसीजन लें, आप एक्सप्रेस करें। और अगर आप किसी के साथ
या कुछ भी अपने लाइफ में चाहते हैं तो उसे बोलिए, स्टैंड लीजिए और कीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आपके पास इश्यूज कुछ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका रीबर्थ होगा, आपकी सोल की रीबर्थ होगी, आप अपने अंदर में चेंज लाओगे। अगर आपको ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है इस वक्त, तो आगे चल के कुछ ही मंथ्स के अंदर या कुछ ही ईयर्स के अंदर आप ये फील करोगे कि आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, आप में बहुत चेंजेस आए हैं, आपकी सोल चेंज हुई है, आपकी सोल अर्ज बढ़ेगी, आप अपने सोल पर्पस पे काम करने वाले हो। डेफिनेटली पाइल्स जी, आप लोग की डेफिनेटली कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं आपके अंदर, एंड आपकी रीबर्थ होगी फिर से, एंड आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स होंगी। ठीक है, चाहे लव लाइफ हो, अगर आपके लव लाइफ में बहुत पेनफुल सिचुएशंस चल रहे हैं तो वो सब एंड हो जाएगा, न्यू बिगनिंग्स होंगे, जहाँ पे आपकी सोल पूरी तरीके से इवॉल्व हो गई होगी, जहाँ पे आप फुलफिलनेस फील करोगे। ओके, जहाँ पे आप पूरी तरीके से एक रेनबो की जो एनर्जी होती है, जब हम रेनबो देखते हैं, एक हैप्पीनेस, एक एक्साइटमेंट, वो आपके लाइफ में आएगी। ठीक है, सो रीबर्थ के साथ द फूल है, मतलब कुछ चीज़ें एंडिंग्स होके न्यू बिगनिंग्स होंगे एंड पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ का। ये श्री कृष्ण आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ओके, एंड आपकी जो लव लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, बहुत ज़्यादा प्यार होगा, रोमांस होगा, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने ही जैसा कोई पर्सन मिल चुका है या मिलने वाला है। ठीक है, जब आप अपने पर्सन से मिलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें, आप जो भी चाह रहे थे वो आपको अपने आप मिल रही है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो, सो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दोगे, अगर आप हीलिंग में और लोगों को हेल्प करने में, अगर आपकी जो सही में जो पावर है उसको अगर आप वर्क में ला के, अगर आप कोई स्पीकर भी बनते हो, मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ, तो आपके साथ साथ लोगों की भी हेल्प होगी और लोगों के दुआओं की वजह से आपकी भी बहुत उन्नति होगी। ओके, सो ये मैसेजेस मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस कार्ड क्या है आपके लिए। तो सबसे पहला है इंडिविजुअलिटी, देन वी हैव ग्रेट सोल्स, देन वी हैव पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है इंडिविजुअलिटी। सो सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये लग रहा है कि आपको एज अ पर्सन अपने आप को डिस्कवर करना है, इंडिविजुअलिटी में ध्यान देना है। ठीक है, ना कि आपको ऐसा फील करना है कि ये पर्सन आपको कंप्लीट करता है, वो आपको कंप्लीट करता है। ओके, आपको अपने अंदर में से खोजना है कि आपकी पहचान क्या है। ओके, और आपको इंडिविजुअल चॉइसेस लेने हैं, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं लाइफ के वो हमेशा इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, चाहे कितने भी कोई भी आपको गाइडेंस दे दे, तो आपको अपने अंदर को पहचानना है। तो यहाँ पे मैसेज क्या है, नो टाइम डिड आई नॉट एग्जिस्ट नॉर यू नॉर एनी ऑफ दिस किंग्स नॉर इन द फ्यूचर शॉल एनी ऑफ अस इज टू बी। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज मिल रहे हैं कि जब समय रुक जाता है, थम जाता है, तब ना तो आप एग्जिस्ट करोगे, ना कोई और करेगा, ना जो पैसे, इनकम, जो भी चीज़ें हैं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ होगा सोल, इंडिविजुअलिटी। ठीक है, पहचान, पहचान, जैसे बॉडी ख़त्म हो सकती है बट सोल इटर्नल रहती है, और जो पहचान है वो ज़िंदगी भर लोगों तक पहुंचते रहता है, पहचान बनी रहती है। तो आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को डिस्कवर करना है, आपकी क्या लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप किस चीज़ में बेटर हो, आप क्या चीज़ में कर सकते हो, उसमें आपको ध्यान देना है, रेदर देन आपकी इनकम कितनी है, आपको लवर कैसा होगा, आपको कैसा मिलेगा, कैसे होंगे। ओके, आपके अपने आपको अपने अंदर को ध्यान रखना है, इंडिविजुअलिटी में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है। फिर है ग्रेट सोल्स, मैसेज पढ़ते हैं, आफ्टर इन्यूमरेबल बर्थ्स एंड डेथ्स दोज हु आर वाइज सरेंडर ऑन टू मी नोइंग मी टू द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस एंड ऑल द एग्जिस्ट सच ग्रेट सोल्स आर वेरी रेयर। ओके, सो श्री कृष्णा ये आपको कहना चाहते हैं कि देखिए, आप बहुत ग्रेट सोल हैं, आपकी जो आत्मा है वो बहुत पवित्र है, बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल हो आप लोग। सो वो कह रहे हैं कि जो भी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, जो भी चीज़ों की जनरेशन हो रही है, बर्थ हो रहे हैं, जनरेशन हो रहे हैं, जो भी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं, और जो भी डेथ्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ की एंडिंग्स हो रही हैं, जो भी लाइफ की सिचुएशंस की एंडिंग्स हो रही है, वो सब
भगवान की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। भगवान ही किसी चीज़ को रीजनरेट करते हैं, भगवान ही किसी चीज़ की एंडिंग्स करवाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो भी हो रहा है ये भगवान के थ्रू हो रहा है एंड ये भगवान की रचना है, एक जनरेशन और एक चीज़ का ख़त्म होना, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एनर्जी सोल्स है वो तो इटर्नल है। बट अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कुछ चीज़ जो एंड हो रही है, चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो या कुछ और चीज़ हो, जो ख़त्म हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, भगवान की वजह से हो रही है और भगवान के प्रेजेंस से हो रही है, तो आप एक ग्रेट सोल बन जाएंगे, ठीक है। मतलब एक बहुत ही ऊँचा दर्जा आपको मिल जाएगा इस यूनिवर्स में। फिर हमें मैसेज मिल रहा है पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। सो मैसेज है, नो फॉर सर्टेन दैट वॉट एवर इज फाउंड इन दिस क्रिएशन अराइजेज आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज एंड द ओरिजिन एंड द सोल्यूशन ऑफ ऑल। देर इज नथिंग बियॉन्ड मी अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी एज पर आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। ओके, सो ये चीज़ कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि जो भी लाइफ है, लाइफ में मटेरियल थिंग्स के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी होती है, तभी वो लाइफ परफेक्ट होती है। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, आप मटेरियल चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए और अपने स्पिरिचुअल वर्क भी करिए, स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान दीजिए। ओके, और आपको ये चीज़ को मानना है कि किसी चीज़ की शुरुआत और किसी चीज़ की एंडिंग भगवान से हो रही है, श्री कृष्ण से हो रही है। ओके, और सब कुछ श्री कृष्ण के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप प्रेयर्स करते हैं एंड श्री कृष्ण के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं एंड ये बिलीफ रखते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं ये आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, इनसे ही जो शुरुआत होगी वो ख़त्म इनसे ही होगी, तो जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण हैं और जो शुरुआत होगी आपकी लाइफ में वो भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण हैं। सो यही कहना चाह रहे श्री कृष्ण कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, श्री कृष्ण पे ट्रस्ट करना है, श्री कृष्ण जी पे भरोसा रखना है, क्योंकि श्री कृष्ण जी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे धागे में मोतियाँ डिपेंड होती है ना, जैसे धागा अगर टूट जाता है तो मोतियाँ नीचे गिर जाती हैं। तो अगर आप बाकी सबको छोड़ के, इंसानों को छोड़ के, बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर सिर्फ आप डिपेंडेंट रहते हो श्री कृष्ण के ऊपर या फिर आप किसी भी गॉड के ऊपर जिसे आप ट्रस्ट करते हो उसके ऊपर अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट रहते हो और बाकियों के बारे में सोचते नहीं हो, तो कृष्ण जी आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे, आपको ज़रूर संभालेंगे और आपको सही रास्ता हमेशा टाइम पे दिखाते रहेंगे, ठीक है। और यही चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप लोगों को हेल्प कर पाए, लोगों को सिखा पाए नई नई चीज़ें। ओके, सो पाइल थ्री, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए, आप लोगों से रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल थ्री।